खाली नहीं किया तो पुलिस जबरदस्ती आपको घर से निकाल देगी। आप ये दरवाजा सील करो, वो दरवाजा सील करो, आप सामान का लिस्ट तैयार। अरे रुकिए रुकिए, आप अंदर कैसे जा सकते हैं? अरे रुकिए सर, सर आप बहुत गलत कर रहे हैं, आप हमें हमारे घर से दुख की बात कैसे बाहर निकाल सकते हैं? मैडम अब खामो खाम बहस करते हैं। मैं थोड़ा पीछे रहता हूं। ये दरवाजा अंदर सील करो, वो दरवाजा बाहर सील करो, और आप कल का एक सामान का लिस्ट बनाओ। अरे अरे रुकिए, आप ऐसे तो नहीं जा सकते सर, आप बहुत गलत कर रहे हैं, आप हमें हमारे घर के बाहर धक्के मार के नहीं निकाल सकते। मैडम आप खामो खाम बहस कर रही हैं, मुझे अपना काम करने दीजिए। यहाँ पे हुआ मेरी तो बस इतनी सारी करने के बाद मुझे हम बोलना काम में बच्चों के लिए हुआ था तो मेरे तो बस इतनी बात इतना करेंगे। चलो यहाँ पे नाश कर करी है बस मैं किधर है गंबे के पास साहिल
साहिल अब कुछ फायदा नहीं है। अरे हमें तो लगा तुम्हारे दोस्त के पिता वो गारंटी दे देंगे और हमारा घर नीलाम होने से बच जाएगा, पर उनका सुबह से कुछ अता पता ही नहीं है, फोन नहीं उठा रहे हैं वो, उन्होंने एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी है। अब तो हमें घर से बाहर निकलने के अलावा कोई चारा नहीं है, हमारा घर नीलाम हो जाए, घर छूट जाए। ये आलीशान घर जिसमें हम दुल्हन बन के आए थे। अम्मा बैठिए। नहीं सुनना हमें, ये सब कुछ नहीं सुनना है, हम ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। से लाइन ये कहां से लाओ मैं? अरे लेकिन मैं साइन किया ना उन्होंने। नहीं खुद साइन किए यहाँ पे। देखिए कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, कोई सीरियस प्रॉब्लम हो गई, वरना वो फोन नहीं उठाते या घर नहीं आते, ऐसा हो नहीं सकता है। वो इस परिवार के बहुत पुराने फैमिली फ्रेंड्स हैं, ऐसे मौके पर वो ऐसा नहीं करेंगे, वो झूठ नहीं बोलेंगे। प्लीज़ आप एक बार देख तो लीजिए। मैडम मैं बिना बात के बहस कर रही हूँ। नहीं नहीं आप समझ नहीं रहे हैं, देखिए ये सब सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से हो रहा है। ऐसी अफवाहें फैल गई थी कि इस घर में भूत है, इसलिए हमारा बिजनेस नहीं चल रहा था, पर अब सबको सच पता चल गया है और अब बिजनेस हमारा फिर से चलने लगेगा। बस हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए कर्जा लौटाने के लिए। देखिए प्लीज़ आप अब अपनी देख तो लीजिए, उन्होंने खुद साइन किए। मैडम सॉरी ऑर्डर्स एक्शन। मैडम पेपर अटेस्टेड नहीं है और इसमें गवर्नमेंट के सील होनी चाहिए, फ्रेंकी भी नहीं है, ये सिर्फ कागज के टुकड़े हैं, सिर्फ कागज के टुकड़े। आपको 24 घंटे का समय दिया गया था, जो समय बीत गया, 10 मिनट के अंदर आपको घर खाली करना है। अगर आपने 10 मिनट के अंदर घर खाली नहीं किया तो पुलिस आपको जबरदस्ती इस घर से निकाल देगी। आपका मतलब क्या जबरदस्ती करेगी हमारे साथ? जबरदस्ती, इट्स द कोर्ट ऑर्डर। सील करने के लिए बोलना, दरवाजे को अंदर सील करो और उसको बाहर सील करो। आप घर का सामान का लिस्ट तैयार कीजिए। अरे रुकिए रुकिए, दूसरा टाइम लेते हैं। ये पेपर अटेस्टेड है, गवर्नमेंट की सील होनी चाहिए और पेपर फ्रैंकिंग भी नहीं है। इस सब के बिना ये पेपर सिर्फ कागज के टुकड़े हैं, सिर्फ कागज के टुकड़े। आपको 24 घंटे के अंदर ऑर्डर सर एक्शन। आपको 24 घंटे का समय दिया गया, वो समय अब खत्म हो गया। 10 मिनट के अंदर आप घर से बाहर जाएंगे। अगर आपने 10 मिनट के अंदर घर खाली नहीं किया तो पुलिस आपको जबरदस्ती घर से निकाल देगी। घर अंदर से ये डोर को अंदर से सील करो, उसको बाहर से नहीं नहीं कुछ नहीं बना। ओके आप इस दरवाजे को सील करो अंदर से और आप बाहर से, और आप समय सॉरी ऑर्डर सर एक्शन। दरवाजे को घर से क्या यार ऑर्डर सर इस दरवाजे और आप एक एक सब ऑर्डर सर बस यही से बोलिए आप कि आप सामान है एक एक सामान का लिस्ट तैयार करो।
अरे रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते, रुकिए। सर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप हमें हमारे घर से धक्के बाहर, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप हमें हमारे घर से धक्के मार के बाहर नहीं निकाल सकते। मैडम आप हम बहस कर रही है, मुझे अपना काम करने दीजिए। जी हमारे बैंक लोन के लिए हमें एक गारंटर मिल गया है, मिल गया है। आपको याद है मिस्टर मिस्टर देसाई जो पापा के बहुत पुराने दोस्त थे, अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो हमारा कर्ज चुकाएंगे और बिजनेस ठीक है उसके पास। और सर इसी बीच में आपको याद है हमारे हमारे पापा के एक दोस्त थे मिस्टर देसाई, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो हमारा कर्ज चुकाएंगे और जब हमारा बिजनेस अच्छा करेगा हमें पैसे लौटाएंगे। तो मैंने आपसे कहा था वेदिका जी कि मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि ये घर नहीं बिकेगा, सॉरी सर कि हमारा घर नीलाम नहीं होगा। मैं क्या उसके मैंने आपसे कहा था वेदिका जी कि हमारा घर नीलाम नहीं होगा,
और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारा फैमिली ये घर छोड़ के नहीं जाएगा। वेदिका जी कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। जानती है क्यों? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस घर में हमारी अनोखी प्रेम कहानी। ये घर गवाह है वेदिका जी हमारी अनोखी प्रेम कहानी की। ऑफिस पिक्चर्स के पास नॉट बैड वे अच्छा भगवान से बोला थैंक यू वरना चलो सब कुछ ठीक कर दिया स्टाफ पे जा देवी थका कल ऊपर भी ले सकता लेकिन एक्शन लंच पे जाएंगे लंच के बाद Thank you.
ओके हमारे बैंक के लोग बैंक के गारंटर सर विलेज बोलकर अभी आगमन करना अब शुरू से लोन के लिए हमें एक गारंटर मिल गया है मिल गया जी मिल गया सच आप जानती हैं अब पापा के पुराने दोस्त थे मिस्टर देसाई उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब बिजनेस अच्छा चलने के बाद हम उन्हें पैसे लौटा देंगे वेदिका जी मैंने कहा था ना कि ये घर इसके पहले ही खाक किया था मिल गया है वेदिका जी अरे मैंने कहा था ना वेदिका जी कि हमारा घर कभी नीलाम नहीं होगा और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आप मेरा परिवार वेद विराट हम सब इसी घर में गवाह है वेदिका जी हमारी अनोखी प्रेम कहानी की कोर्ट का नोटिस लेकर आए हैं अरे हमें तो लगा कि तुम्हारे दोस्त के पिता
वो गारंटी ली है उन्होंने तो हमारा घर नीलाम नहीं होगा, और उनका सुबह से कुछ पता नहीं है। एक फूटी कौड़ी नहीं दी उन्होंने तो हमारे घर को नीलाम होने से कोई नहीं बचा सकता। ऐसा कुछ नहीं होगा, मिस्टर देसाई को फोन करता हूँ। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनी। हमें कुछ नहीं सुनना, हमें जो ऑर्डर मिला है उसको फॉलो कर रहा हूँ मैं। सील होनी चाहिए, पेपर फ्रैंकिंग भी नहीं है। इसके बिना एक कागज, सिर्फ कागज पे तो है, सिर्फ कागज। आपको 24 घंटे का समय दिया गया है, वो समय आप खत्म हो गया। 10 मिनट के अंदर आपको घर खाली। ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? अगर आपने 10 मिनट के अंदर घर खाली नहीं किया तो पुलिस आपके साथ जबरदस्ती करेगी। आप लिस्ट बनवाइए। अगर आपने 10 मिनट के अंदर घर खाली नहीं किया तो पुलिस आपके साथ जबरदस्ती घर से आपको निकाल देगी। 10 मिनट के अंदर अंदर सब घर से बाहर निकल जाइए। अरे रुकिए, आप ऐसे तो नहीं जा सकते।
सर आप बहुत गलत कर रहे हैं, आप हमें हमारे घर के बाहर धक्के मार के नहीं निकाल सकते। मैडम आप हम कम बहस कर रही, मुझे अपना काम करने दीजिए। टेंशन रहा है भूत और जायदाद को लेके और बहुत सारी परेशानी बड़ी अम्मा को लेके, तीन 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 को लेके, तो ये सब अभी ख़त्म नहीं हुआ। और साहिल एक सरप्राइज़ लेकर आया कि किसी फैमिली फ्रेंड ने लोन दे दिया है और हम पैसे अभी के लिए चुका देंगे और धीरे धीरे करके हम उनको लोन वापस दे देंगे। और पता चला है कि उसमें भी कुछ गड़बड़ हो गई है, पेपर्स पे फ्रैंकिंग नहीं है, और तो ये लोग आ गए हैं अभी घर खाली करवाने के लिए, तो बस वही चल रहा है। हाँ अभी तो नहीं पता है कि क्या होगा, पर वेदिका का घर है तो ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं के नहीं रहे, तो जो वेदिका का छोटा सा घर है वहाँ पे जाके सब रहेंगे अभी के लिए। और साहिल और वेदिका जब भी साथ होते हैं तो कुछ ना कुछ हल तो निकल ही आता है उस बात का, तो ऑफ कोर्स अभी क्या होगा वो नहीं पता, पर सोल्यूशन निकाल लेंगे। जो मिस्टर देसाई जो आपके लोन पूरा करना चाहते थे, अचानक से उनके पेपर में फ्रॉड निकलता, तो कहीं ना कहीं जो सब हो रहा है उनके पीछे कहीं ना कहीं उनका हाथ भी हो सकता है, वो मुझे नहीं पता, उतना तो आगे सोचा नहीं है क्योंकि शायद वेदिका उनको इतनी अच्छी तरह जानती भी नहीं हुई। ये अग्रवाल परिवार के फ्रेंड हैं तो उतना तक वेदिका शायद सोच नहीं पाएगी, पर हाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। थैंक यू सो मच।